नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और आइए अब आगे बढ़ते हैं 3 मिनट में 30 खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक, 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट, 4 दिसंबर को एथिक्स कमेटी करेगी पेश, सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाएगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव, अब 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग, ईसी ने कहा कई अनुरोधों के बाद फैसला किया। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जयराम रमेश का एक्सपर्ट पोस्ट, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों तारीख बढ़ाई। चुनाव नतीजों से पहले कई राज्यों में एक्शन में बीजेपी नेता, राजस्थान में राज्यपाल और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा, सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर फुल एक्शन में वसुंधरा राजे, इसमें निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क भी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा, चुनाव नतीजों से पहले ग्वालियर में शिवराज के साथ सिंधिया परिवार से की मुलाकात, दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा की। एग्जिट पोल को लेकर कमलनाथ का एक और एक्सपोस्ट, लिखा कांग्रेसियों को निराश करने के लिए एग्जिट पोल में कांग्रेस को हराया, निराश न हो, निष्पक्ष मत करना करा। एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एबीपी न्यूज से कहा गलत साबित होंगे सर्वे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी लौटे भारत, दुबई में सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया था भाग। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। राहुल गांधी का केरल दौरा, कोच्चि में केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहा कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया, बीजेपी आरएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान। पंजाब सरकार ने की गन्ने के दामों में बढ़ोतरी, 11 रुपए क्विंटल बढ़ाए गन्ने के दाम, 391 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी और निजी चीनी मिलें खरीदेंगी गन्ना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।